मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज और डी हेवन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रॉपर्टी लाइन में और बिल्डर्स लाइन में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है डिजायर इंफ्रा का। 6 साल पहले यह सफर शुरू किया था आदरणीय पंकज जी ने, जो बहुत ही मधुर भाषी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है, और आज उन्होंने अपनी जो 6वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, तो इसमें पश्चिमी दिल्ली के तमाम जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक और अन्य संगठनों से सैकड़ों प्रतिनिधियों ने आकर पंकज जी को हार्दिक बधाई दी, उनकी मंगल शुभकामनाएं की और स्वस्थ जीवन की नेक कामना की। अब हम सीधे बात करते हैं डिजाइन इंफ्रा के जो CMD हैं पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे अपने 6 साल के सफर के बारे में? देखिए, ये 6 साल कहने में 6 साल लगते हैं, लेकिन ये सालों से ऊपर जो है मेहनत है, प्यार है बड़ों का और आशीर्वाद है हमारे बड़ों का, घर वालों का जी, जिसके कारण जो है हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और ये जो समाज जो आप मेरे साथ देख रहे हो, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, इस समाज का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आज तक अपने हर मेरे छोटे बड़े टाइम में मेरा साथ दिया है। और कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को फोन किया हो और उसने मेरा फोन काटा हो, या काटा है तो कॉल बैक ना किया। तो ये प्यार, यही मानवता का मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, सभी दलों से लोग आए। ये वो लोग हैं जो मेरे व्यवहारिक रूप से मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बड़े हैं। जगदीश मुखी जी ने यहाँ के आशीर्वाद दिया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं आसाम के, तो मेरे वो राजनीतिक गुरु भी हैं। सुनील जिंदल जी मेरे गुरु हैं और उनके ऊपर गुरु जगदीश मुखी जी हैं। तो ये सबका आशीर्वाद मुझे आज मिला है। और ये यहाँ ही नहीं है, मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े होने वाले लोग हैं, तो मेरे लिए नेता नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। ये मनोज शर्मा जी भी मेरे बड़े भाई हैं, उन्हीं के स्कूल में हम पढ़े हैं। उनके पिताजी सतीश कुमार शर्मा जी का स्टार्ट किया हुआ स्कूल था, जिसको मनोज जी ने, पल्लवी जी ने ऊंचाइयों पे लेके गए हैं, और वो भी मेरे बड़े भाई की तरह है। हमारे घर के सभी बच्चे ममता मॉडर्न से पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी ममता मॉडर्न से ही पढ़ेंगी, क्योंकि ये ट्राइड टेस्टेड है। क्योंकि हम यहाँ से पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, हमें अपने बच्चों को AC स्कूलों में नहीं पढ़ाना, 5-स्टार स्कूलों में नहीं पढ़ाना। ममता मॉडर्न ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंसान को जिंदगी जीने के मूल भाव सिखाता है, कामयाब बनाता है। नवीन अरोड़ा जी, एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए, दोनों मिलकर स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए, बड़ी खुशी की बात है। आज पंकज जी के डिजायर प्रॉपर्टी के छठे वार्षिक उत्सव में हमारे बीच में दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ नेता और लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, गवर्नर रहे, पूरा जीवन 8-9 बार विधायक रहे, मुख्य जी जरूर 15 अगस्त के उपलक्ष पर जरूर दो शब्द में आशीर्वाद के रूप में। श्रीमान पंकज चड्डा जी, बिंदल सा सरिता जी, हमारे इतपाल गुप्ता जी, समाज सेवी, यहाँ उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, अपरेंटली हमारे पंकज भाई ने इस प्रॉपर्टीज के बिजनेस के अंदर 6 साल पहले पांव रखा, आज काफी प्रोग्रेस की है, 6वें वर्ष को मना रहे हैं। इस अवसर पर मुझे जो कहना है, मुझे, मैंने पंकज चड्डा जी को बहुत नजदीक से भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग के अंदर काम करते हुए देखा है, और इनको अपने व्यावसायिक जीवन के अंदर काम करते देखा है। प्रॉपर्टीज के डील करने वालों की कोई बहुत बड़ी रेपुटेशन नहीं होती, किंतु अपवाद के रूप में मैं देख रहा हूं, उस सब जो मेरे दिमाग में
भावना थी उसके बिल्कुल ठीक ठीक विपरीत मैंने पंकज जी को पाया है। और इस धंधे में मैं एक ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, मैं साधुवाद देता हूं उनको। और इसी ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे तो बुलंदियों को चूमेंगे, यही मेरा इस अवसर पर आपको शुभकामना। पंकज को मैंने छोटे से बड़ा होता देखा, स्कूल में पढ़ता था तब भी बड़ा प्रतिभाशाली छात्र था वो, स्कूल के अंदर भी, स्कूल के अंदर इन्वॉल्व रहता था हर एक्टिविटीज, सोशल वर्क के अंदर, काम के अंदर हमेशा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। फिर उसको आगे जाते देखा, कॉलेज जाते देखा, इसकी लाइफ के काफ़ी पहलुओं के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो एक बड़ा अच्छा सफ़र रहा है मुझे इस लड़के को तरक्की करते देख के। मेहनती लड़का है, बहुत आगे काम कर रहा है, कभी भी इसने फील्ड के अंदर कभी मेहनत से दिल नहीं चुराया है। सबसे अच्छी बात इसकी है कि जो काम इसने सोचा शुरू किया उस काम को इसने दिल से मन से बढ़ चढ़ के कार्य को पूरा किया इसने जी। तो मेरी दिल से इसको हार्दिक शुभकामनाएं है कि ये और अच्छा काम करे, आगे बढ़े और ऐसे ऐसे पूरे विकासपुरी एरिया का, जहाँ का ये निवासी है उस एरिया का नाम पूरे दिल्ली के अंदर ऊंचा करे अपने कार्य से। मैं पंकज जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ अपनी ओर से कि लगातार वो जिस मेहनत के साथ अपने कार्य में लगे हैं और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वो हमेशा अपने इस पद पर अग्रसर रहे और वो होंगे ही, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जिस लगन और मेहनत के साथ वो काम करते हैं निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे ही। और ऐसे ही जिस तरीके से वो समाज को अपने साथ, अपने कार्य के साथ साथ समाज को अपने साथ जोड़कर रखते हैं, ये गुण जो है वो हर किसी में नहीं होता, लेकिन ईश्वर ने उनको ये गुण दिया है, उनका ये गुण भी बना रहे और हम सबको वो ऐसे ही अपने साथ अपनी सफलता में हमेशा शामिल रखें। मैं बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद। नमस्कार सभी को, सबसे पहले मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे पूरे देशवासियों को देना चाहूंगा अपनी तरफ से। मेरा नाम नितिन बल्ला, मैं विकासपुरी का मंडल उपाध्यक्ष भी बीजेपी की तरफ से रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, और मैं इस खुशी के मौके पर आया हूँ जो भाई श्री पंकज चड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज उनके डिजायर की 6th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, हम तो चाहते हैं हर बिजनेस में ऐसे ही तरक्की हो, हर कोई ऐसे ही अच्छे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करे, बहुत खुशी है। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण। मेरा नाम अश्विनी ढिंगरा है, मैं भी विकासपुरी में प्रॉपर्टी का ही काम करता हूँ। मैंने पंकज को अपने सामने उठते हुए देखा है और लड़के ने बहुत मेहनत की है और आज पंकज चड्डा जी इसलिए पर है कि वो आज से 10 साल पहले प्रॉपर्टी में 20 साल पहले जो उनके सोसाइटियों में लोग थे, आज पंकज चड्डा जी उनसे भी ऊपर जाके प्रॉपर्टी में विकास करके देख रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है पंकज जी का प्रदेश है वो आगे भी रहेगी और ऐसे दूरी चाहती हूँ तो हमारे आज पंकज चड्डा जी ने 6वीं वर्षगांठ पर उनको हम बधाई देने आए हैं और प्रभु से यही कामना करते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और इसी प्रकार सबको जोड़ कर रखें। देख रहा हूँ बहुत से सामाजिक धार्मिक राजनीतिक लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सबका पंकज जी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को देता हूँ। मैं गुरदीप सिंह सेठी, प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन डिजायर प्रॉपर्टीज पे बधाई देने आया हूँ, क्योंकि पंकज जी के बारे में जितना कहे उतना कम है। वो बिजनेस में अच्छे तो है ही, उसके अलावा मेन चीज है वो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, उन्होंने बहुत लोगों के काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए हम सारे उनके बिल्कुल कदम से कदम उनके साथ हैं। पूरा आशीर्वाद है हमारा कि वो और ज्यादा फले फूले और तरक्की करें। सीनियर सेक्शन क्लब में छात्री हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी सीनियर सेक्शन क्लब की टीम आई हुई है और हम पंकज जी को बधाई देने आए हैं। वो इतने अच्छे इंसान है, सब लोगों के साथ बहुत सोशल है और सबको मिलते जुलते रहते हैं, समय समय पर सबको इन्वाइट करते हैं, तो मैं उनको अपना बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। इसी तरह चलते फिरते नहीं। अनिल खन्ना, रजे राजू, मैं सीनियर सेक्शन क्लब से हूँ, रजे राजू वहाँ का, अनिल खन्ना मेरा नाम है।
पंकज ने मेरे लिए बच्चों की तरह आया, फोन पे करता है, सब कुछ करता है, व्यवहार बहुत अच्छा है, सब चीज जब करता है, और आज उसकी शॉप की जो एसिड समस्या है उसके ऊपर उसने बुलाया। मैं अपने मिसेज के साथ, अपने गुप्ता जी के साथ, जो मेम्बर है सबके साथ मैं यहाँ आया हूँ बधाई देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चीफ ऑर्गेनाइजर रवीश गुप्ता, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन। पंकज चड्डा एक ऐसी शख्सियत है विकासपुरी के अंदर जो ब्रजभाषी है। ये जो प्रोफेशन है प्रॉपर्टी डीलिंग का बड़ा बदनाम है, लेकिन इस प्रोफेशन में भी पंकज भाई ऐसे हैं जैसे सितारों के बीच में सूरज है।